गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद टेक्निकल। दोस्तों जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो दिन अब आ चुका है। यानी जिस दिन के लिए हर यूट्यूबर जो है कि बेसब्री से इंतजार करता है और वो चाहता है कि वो दिन उसको जल्द से जल्द आए। क्यों? ताकि उसका जो यूट्यूब की जर्नी है वहां से स्टार्ट हो और अर्निंग भी स्टार्ट। अर्निंग कैसे होती है वो सारी चीजें तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक चीज जो एंड में होता है वो होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, यानी कि गूगल पिन। देखिए दोस्तों, मेरे पास आ चुका है गूगल पिन। अब मैं इस गूगल पिन का इस्तेमाल करके जो मेरा पेंडिंग में दिखा रहा था कि जो पेमेंट है वो आपका ऑन होल्ड है। क्यों वो ऑन होल्ड है? क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ था। एड्रेस वेरिफिकेशन होने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये 6 अंकों वाला गूगल पिन का होना अवश्य। 6 अंकों का जो गूगल पिन होता है, जैसे आप अपने एडसेंस अकाउंट में एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है कंप्लीटेड। सो दोस्तों, इस दिन का जो इंतजार है वो हर यूट्यूबर करते हैं। 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, बहुत सारे लोग जो है कि काफ़ी टाइम तक वेट भी कर रहे होते हैं। कई लोगों का 1 वीक में ही आ जाता है। तो मैं बता दूं कि मैंने जो अप्लाई किया हुआ था वो किया था 29 अप्रैल को और ये मेरे पास रिसीव हो गया 11 मई को जो है कि मुझे रिसीव हुआ और मैंने इसका इस्तेमाल किया। उसी दिन मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपडेट कर दिया जो मेरा 6 डिजिट का गूगल पिन है। ये एडसेंस जो पिन होता है ये रिक्वायर्ड होता है कि आप अपना जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसको आप कंप्लीट तब करेंगे जब ये पिन आपका गूगल एडसेंस से आपके पास रिसीव हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि गूगल एडसेंस जो है कि वो देखना चाहता है कि जो एड्रेस आपने यूट्यूब या एडसेंस में अपडेट किया हुआ है वो एड्रेस आपका सही है कि नहीं है, क्या आप उस एड्रेस पे आप रहते हैं, वो एड्रेस आपका है या नहीं है। तो ये चीज़ें जरूरी होती है और ये हमें इसका वेरिफिकेशन के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपना जो एडसेंस पिन है वो हमें इसमें एंटर करें। तो दोस्तों इसका कैसे हम जो है कि वेरिफिकेशन करते हैं, बहुत ही आसान है क्योंकि जो भी लोग अपना चैनल मोनिटाइज करा लेते हैं और जिनका चैनल मोनिटाइज हो जाता है वो क्या उनको जो है कि अपना एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। जब एडसेंस अकाउंट आप बना लेते हैं तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, पेमेंट मेथड होता है वो आपने अपडेट करना होता है, फिर उसके बाद आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है जो आपका एडसेंस पिन होता है वो आपने एंटर करना होता है। साथ ही साथ उससे पहले एक और आपसे वर्क कराया जाता है, वो होता है आपका टैक्स फॉर्म का। जो टैक्स फॉर्म होता है वो भी आपने सबमिट करना होता है, जिससे क्या होता है कि 30% जो है ना जो यूट्यूब जो है कि आपका टैक्स डिडक्शन करता है तो उसमें से आपका 50% के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप टैक्स फॉर्म सबमिट कर देते हैं। तो सबसे एंड का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा एडसेंस पिन, जिसे हमें एंटर करना होता है वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए। तो हम अब उसको जो है कि देखते हैं और इसको आगे का जो प्रोसेस है वो करके देखते हैं और चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक चारों तरफ से इसे ओपन करेंगे। इसमें जो भी आपका 6 डिजिट का पिन है उसे बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा गया। ये एरो बता रहा है कि आपको इस तरीके से आपने चारों तरफ से इसे खोलना है, ठीक है। धीरे धीरे करके इसे आप निकालेंगे, इसे फाड़ करके इसको पन्नी को साइड करेंगे और जो इसे इसे ओपन करेंगे क्योंकि इसी के लिए हम लोगों ने इतने दिनों तक दोस्तों वेट किया था। आपने जो हमारा एड्रेस के लिए जो एडसेंस पिन है वो हमें कहाँ पे और कैसे एंटर करना होता है, सिंपल सा स्टेप था कि जो आपका एक्शन रिक्वायर्ड लिखा होता है ना ऊपर टॉप पे वो खुद आपका एडसेंस की तरफ से एक रेड कलर का जो है ना दिया गया होता है कि आपका जो पेमेंट है ऑन होल्ड है, क्यों है उसका कारण भी वहाँ पे मेंशन होता है। वो आपने वेरिफिकेशन करने के लिए आपका जो एडसेंस पिन है वो आपने एंटर करना होता है। तो जैसे है आप एक्शन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे जो भी आपका है वहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो पिन वेरिफिकेशन है, एड्रेस वेरिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट है। तो आपको अपना जो 6 डिजिट का पिन है वो उसे एंटर करके और इसे वेरिफिकेशन को कम्प्लीट करना होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।